हेलो एवरीवन। सो आप लोगों ने पिछली वीडियो में प्रूविंग देखा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन। तो अब ये वीडियो छोटी है क्योंकि इसमें जो हम लोग प्रूविंग करने जा रहे हैं वो है एक्सियल पोजीशन की। हम लोगों ने पिछली बार कर रही थी, ये है ब्रॉड ऑन पोजीशन की। तो ब्रॉड ऑन पोजीशन में क्या है, आपको बताया ही था हमने पिछली बार भी कि दो प्रूविंग्स हैं हमारे पास। एक है हमारी सॉरी अगर थोड़ा सा हिलाओ, तो एक है हमारे पास एंड ऑन पोजीशन की, मतलब यहाँ पर, और एक है हमारे पास ब्रॉड ऑन पोजीशन की। तो हम लोग देखते हैं ब्रॉड ऑन पोजीशन की, तो ऊपर या नीचे कहीं भी आप लोग ले सकते हो। तो डिस्टेंस होता क्या है इन दोनों के बीच का, वो होता है 2L। तो अगर बीच के पॉइंट की बात करें तो वो हो गया L इधर और L इधर। तो इधर आप अगर इसी पॉइंट के नीचे अगर आप वो लेते हैं, तो हम लोग मान लेते हैं हम लोगों ने r डिस्टेंस नीचे एक पॉइंट लिया है, यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो ये बहुत इजी प्रूविंग है, क्यों वो आपको अभी पता चल जाएगा। तो अगर हमको माइनस क्यू, इस पॉइंट को मान लीजिए p नाम दे दिया, अगर हमको माइनस क्यू और प्लस क्यू से इसका पोटेंशियल निकालना है, तो पहले हम लोग किसी एक का देखते हैं v माइनस क्यू का। तो वो हमको फॉर्मूला तो पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन ये इन दोनों के बीच में डिस्टेंस। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, बस वहीं पर हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। ये मान ली, ये हो गया 90, इतना हमारा ये क्या है, ये है L, ये है R। तो जब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा R² + L²। ऐसे ही यहां पर ये भी क्या आ जाएगा, R² + L² क्योंकि ये भी L है और ये भी R है। तो यहीं पर हमारी ये प्रूविंग बहुत अब खत्म ही हो गई है, बस एक तरीके से हमको लिखना ही है। तो v इज इक्वल्स टू माइनस q की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस q अपॉन इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, R² + L² स्क्वायर रूट में। ऐसे ही v इज इक्वल्स टू प्लस q का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ R² + L²। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इन दोनों का सम होने वाला है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये दोनों बिल्कुल सेम है वैल्यूज, और एक पॉजिटिव में है और एक नेगेटिव में है। तो एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में बिल्कुल सेम वैल्यूज, तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आ जाएगा जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, वो हो जाएगा हमारा 0। तो इसलिए हम कह रहे थे कि ये बहुत ही इजी प्रूविंग है। मेन आपको क्या निकालना है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो यही था हमारा, क्या था, ब्रॉड ऑन पोजीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। और इसका डायरेक्शन नहीं होता है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली होगी पिछले चैप्टर्स में, तो उसमें आप लोगों ने साथ में डायरेक्शन भी उसमें लिखना पड़ता है, इसका डायरेक्शन नहीं होता है। तो होप आपको समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हैं, और आगे हम फ्यूचर में लाइव वीडियोज भी करेंगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। थैंक यू, जुड़े रहिए।